नमस्कार, मैं राहुल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी नाइन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत, जी हां, अखिलेश यादव से। दरअसल ज्ञान व्यापी मस्जिद को लेकर जो बयान अखिलेश यादव ने दिया, उसके बाद माहौल खराब हो रहा है। दरअसल अखिलेश यादव ने कहा कि भाई मंदिर मस्जिद हो रहा है, मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है, मुसलमानों के समर्थन में अखिलेश यादव का उतरना सीधे तौर पर उन्हें मुश्किलों में खड़ा कर सकता है। जी हां, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत पहले कह दिया था, जो मंदिर मस्जिद करने का काम करेगा, जो सौहार्द बिगाड़ने का काम उत्तर प्रदेश में करेगा, उसके खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे, उसे जेल की सलाखों के पीछे भेजा जा सकता है। तो ऐसे में लगातार अखिलेश यादव पर निशाना साधा जा रहा है। अखिलेश यादव मुसलमानों का समर्थन करके फंस चुके। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में मुसलमानों का समर्थन करना अखिलेश यादव को भारी पड़ गया। दरअसल अखिलेश यादव ने जो है गरम लोहे पे जिस तरह से उन्होंने काम किया है और जिस तरह से उन्होंने हथौड़ा चला दिया, इससे स्थिति बहुत खराब होती नजर आ रही। जी हाँ, अखिलेश यादव के बयान से मुसलमान समुदाय के लोग चीजों को एक तरफा अलग लेते नजर आ रहे। तो यहाँ पर अखिलेश यादव के खिलाफ बड़े कदम उठाए जा सकते हैं, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार ये कह रहे हैं कि भाई एक तरफा काम हो रहा है, मुसलमानों को डराया सताया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर ये देखा जा रहा है केवल अखिलेश यादव मुसलमानों का वोट बैंक के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अगर उन्हें मुसलमानों की चिंता होती तो आजम खान उनसे नाराज नहीं होते, बहुत पहले आजम खान को जेल से रिहा करवा चुके थे। लेकिन मुसलमानों का इस्तेमाल करना अखिलेश यादव ने एक बार फिर शुरू कर दिया, और ये देखा जा रहा है मुस्लिम वोट पाने के लिए अखिलेश यादव मुसलमानों के साथ जो है वो कहीं ना कहीं मीठी मीठी बातें करते नजर आ रहे हैं। तो सीधे तौर पर मुसलमान वोट चाहिए तो अखिलेश यादव मुसलमानों को बरगला रहे, लेकिन ये मुस्लिमों को सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई दोबारा से अखिलेश यादव का समर्थन करना है, क्योंकि आजम खान जैसे नेता ये समझ चुके हैं कि अखिलेश यादव ने उनका इस्तेमाल किया वोट के समय, चुनाव के समय, इसलिए वो अखिलेश यादव से, समाजवादी पार्टी से खुद को अलग कर रहे हैं। और सीधे सीधे तौर पर देखा जा रहा है मुसलमानों का जो गुस्सा वो अखिलेश के प्रति था, इसलिए अब मुसलमानों को लेकर बात करनी शुरू करती, लेकिन जो बयान दे रहे उससे बवाल हो रहा है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक ले जा दीजिए, नमस्कार।